स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल GS मैग्नेट में। आज के इस वीडियो में हम लोग BSSC के प्रैक्टिस सेट को करेंगे जो ज्ञान बिंदु GS एकेडमी माननीय रोशन आनंद सर के द्वारा प्रोवाइड किया हुआ है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि BSSC का एग्ज़ाम भी बहुत जल्द होने वाला है। एक नोटिफिकेशन के तौर पे मैं आप लोगों को बता दूं कि BSSC में जितने लोग भी फॉर्म डाले हुए हैं उन सब का फॉर्म का करेक्शन यानी कि सुधार के लिए BSSC पोर्टल ने अपना तिथि जारी कर दिया है। इसलिए समय से पहले आप लोग अगर फॉर्म भरते समय कोई त्रुटि हो गई हो तो उसको सुधरवा लें और अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड ज़रूर करा लें। जो जो लोग डॉक्यूमेंट को अपलोड नहीं कराएंगे उनका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग BSSC के एग्ज़ाम के दृष्टि से होने वाले जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन को जो है हम लोग करेंगे। तो चलिए आज का हमारा जो पहला सवाल है दोस्तों उसको ध्यान से पढ़िएगा। उस शब्द का चयन कीजिए जो ठीक उसी शब्द का निरूपण करता हो जो संबंध दिए गए शब्द युग में अभिव्यक्त है। शब्द को अर्थपूर्ण शब्दों के रूप में माना जाना चाहिए और उन्हें शब्द के अक्षरों की संख्या, व्यंजकों की संख्या, स्वरों की संख्या के आधार पर परस्पर संबंधित नहीं होना चाहिए। तो चलिए पहला प्रश्न आप लोग बनाइए दोस्तों, आप लोगों के सामने है। अधिगृहित का मतलब प्राप्त करना, यानी कि अगर बात किया जाए अधिगृहित का दोस्तों तो प्राप्त का पर्यायवाचक शब्द जो होता है दोस्तों अधिगृहित होता है। तो इस हिसाब से इसमें से कौन सा ऑप्शन आप लोगों को मैच करेगा दोस्तों बताना। तो कड़वा का पर्यायवाचक शब्द मीठा नहीं होता है दोस्तों, तो ये बात भी क्या हो गया, गलत हो गया। आगमन का प्रस्थान ये भी बात क्या हो गया, गलत हो गया दोस्तों। एकत्रित का विपरीत ये भी बात क्या हो गया दोस्तों, गलत हो गया। यानी कि लघु यानी कि छोटा, लघु का पर्यायवाचक शब्द छोटा का पर्यायवाचक शब्द दोस्तों क्या होता है, लघु भी होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों उसको ध्यान से देखिएगा। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अधिकतम कितने वर्ष की आयु तक पद धारण कर सकते हैं दोस्तों, बताइए। चलिए फटाफट बताइए। तो बात किया जाए दोस्तों संघ लोक सेवा का दोस्तों, तो लगभग वो 65 वर्ष तक जो है दोस्तों क्या कर सकते हैं, ये वायु 65 वर्ष के आयु तक जो है दोस्तों पद धारण कर सकते हैं। अगर बात किया जाए दोस्तों संघ लोक आयोग की, तो संघ लोक आयोग की जो दोस्तों गठन है वो जो है दोस्तों अनुच्छेद दोस्तों 315 से 323 के बीच में हुआ है। और आप लोगों को बता दूं कि यह 315 और 323 जो है दोस्तों 23 जो है दोस्तों वो क्या है, वो संविधान के भाग 14 में है। किस में दोस्तों, भाग किस में दोस्तों, 14 में। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों ठीक उसी प्रकार रिलेटेड है जो पहला प्रश्न था। तो चलिए इसका आंसर बताइए आप लोगों को, जिन लोगों को भी पता हो। चलिए अपना अपना स्कोर दोस्तों एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो के लास्ट में। चलिए इसको बनाइए। गुड़हल एक फूल है, गुड़हल क्या है दोस्तों, एक फूल है। तो इसमें से कौन सा दोस्तों मैच करेगा आप लोग बताइए, इसमें से कौन सा मैच करेगा। गुड़हल जो है एक फूल है, पत्ती हरी है ये भी मैच नहीं कर रहा है दोस्तों, पेड़ तना ये भी मैच नहीं कर रहा है दोस्तों। पेड़ जो है एक प्रकार का तना नहीं होता है, बीन्स जो होता है एक प्रकार का प्रोटीन नहीं होता है दोस्तों, लेकिन कद्दू जो होता है दोस्तों एक प्रकार का फल होता है। तो ये वाला ऑप्शन जो है दोस्तों राइट जवाब होगा, ये वाला ऑप्शन जो है क्वेश्चन के हिसाब से मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है, ठीक है। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों उसको ध्यान से देखिएगा। आज़ादी से लेकर अब तक भारत में रुपयों का मूल्यांकन कितनी बार किया गया है, जब से देश आज़ाद हुआ है दोस्तों तब से रुपयों का मूल्यांकन कब कितनी बार हुआ है दोस्तों। तो आप लोग को बता दें दोस्तों, जब से देश आज़ाद हुआ है दोस्तों तब से लेकर आज तक रुपयों का मूल्यांकन दोस्तों 3 बार हो चुका है। कितनी बार दोस्तों, 3 बार हो चुका है। पहली बार दोस्तों सन 1949 में हुआ था। दूसरी बार की बात किया जाए दोस्तों तो 1966 में हुआ था। और तीसरी बात की बात किया जाए दोस्तों तो 1991 में हुआ था। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि अब आज़ादी से लेकर के अब तक दोस्तों लगभग
तीन बार जो है रुपयों का जो दोस्तों मूल्यांकन हो चुका है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों उसको देखिए ध्यान से। निम्नलिखित में से किस विकल्प में अंक दिए गए अंक समूह की तरह ही आपस में संबंधित है? तो चलिए बताइए दोस्तों, ये वाला जो है इसमें सबसे पहले दोस्तों ये वाला जो नंबर दिया है रीजनिंग का प्रश्न है दोस्तों, इसको ध्यान दीजिएगा। जो पहला नंबर है उसमें आप लोग तर्क लगाइए कि ये क्या इसका सिस्टम है। तो अगर बात किया जाए ये जो प्रश्न के नंबर का दोस्तों, तो क्या दिया है, 11 दिया है और 57 दिया है और 8 दिया है, यही तीन नंबर दिया हुआ है। इन तीनों में रिलेशन क्या है दोस्तों, मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, इन तीनों में रिलेशन क्या है मैं बताता हूँ। यानी कि 11 का स्क्वायर किया गया है और 8 का स्क्वायर करके माइनस किया गया है, तो हमारा आंसर कितना आएगा दोस्तों, हमारा आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों बताइए, तो 57 आ जाएगा। यानी कि बीच वाला जो अंक है दोस्तों वो पहले वाले अंक के वर्ग और लास्ट वाले अंक के वर्ग के अंतर के बराबर है। ठीक है, तो चलिए इन लोगों से अगर इस हिसाब से देखा जाए दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 15, 81 और 12। इसको आप लोग सेट कर लीजिए जिससे मैंने बताया था। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों उसको देखिएगा। हाल ही में आथुर पान का पत्ता का भौगोलिक संकेत प्राप्त हुआ है, यह किस राज्य से संबंधित है? चलिए बताइए दोस्तों यह किस राज्य से संबंधित है दोस्तों, आथुर पान का पत्ता जो है किस राज्य से संबंधित है बताइए। तो बात किया जाए उस राज्य का दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखिएगा, तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। किससे दोस्तों, तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो रीजनिंग से है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। और ये सेट जो है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सेट माननीय रोशन आनंद सर के द्वारा प्रोवाइड किया गया है, इसलिए आपको इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को सेट कीजिए। 7 नंबर प्रश्न को देखिए दोस्तों, 7 नंबर प्रश्न को देखिए। यानी कि ये जो अल्फाबेटिक नंबर दिया है दोस्तों, और इसमें आपको तर्क लगाना है कि ये जो है इससे कैसे रिलेटेड है, पहले वाला नंबर का ग्रुप दूसरे वाले से कैसे रिलेटेड है और ये तीसरे वाला नंबर का ग्रुप चौथे वाला से कैसे रिलेटेड होगा। तो आप लोगों को मैं बता दूं दोस्तों हिंट्स के लिए, यानी कि ये जो ओ है दोस्तों, ये जो ओ है और पी में है दोस्तों माइनस एक का अंतर है। कितने का अंतर है दोस्तों, माइनस एक का अंतर है। और यू में और डब्ल्यू के कितना का अंतर है दोस्तों, तो अगर बात किया जाए तो प्लस दो का अंतर है। ठीक है, उसके बाद जाइएगा आर में और ओ में कितना का अंतर है दोस्तों, आर में और ओ में देखा जाए तो आर और ओ में दोस्तों माइनस तीन का अंतर है। यानी कि कैसे हो रहा है, माइनस एक प्लस दो, माइनस तीन प्लस चार, माइनस चार प्लस पाँच, ऐसे में जा करके क्या होगा, माइनस पाँच प्लस छः, ऐसे में जा करके सेट करेगा दोस्तों। तो बताइए दोस्तों ये जी का माइनस एक कितना होगा दोस्तों, बताइए फटाफट जी का माइनस एक कितना होगा दोस्तों, तो एफ होगा। जी के पहले क्या आएगा, एफ आएगा दोस्तों। उसके बाद हमको क्या करना है, प्लस दो करना है दोस्तों। यानी कि आर का प्लस दो कितना होगा दोस्तों बताइए आप, आर का प्लस दो करना है दोस्तों तो टी होगा। क्या होगा, टी होगा। यानी कि हमारा जो प्रश्न है दोस्तों एफ टी, यानी कि ठीक है। उसके बाद चलिए ई का जो है दोस्तों माइनस तीन कितना होगा दोस्तों, ई का माइनस तीन कितना होगा दोस्तों, तो ई का बात किया जाए तो कितना होगा दोस्तों, तो ई का माइनस तीन कीजिएगा तो बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, बी आ जाएगा। यानी कि एफ टी बी, देखिए इसमें से कौन सा मैच कर रहा है दोस्तों, एफ टी बी सब में मैच कर रहा है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं दोस्तों। ई का जो है माइनस चार कितना होगा दोस्तों, ई का माइनस चार कितना होगा ये बताइए, ई का माइनस चार करना है अब, तो ई का माइनस चार कीजिएगा दोस्तों तो आप लोगों के पास आई आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सॉरी ई का जो है प्लस चार करना है दोस्तों, तो यहाँ पे आई आ जाएगा। यानी कि एफ टी बी आई, देखिए इसमें से कौन सा है दोस्तों, एफ टी बी आई, यानी कि मिलाइए दोस्तों इसमें से कौन सा होगा। ठीक है, तो चलिए अगर बात किया जाए राइट को आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि एफ टी बी आई आई होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है उसका आंसर मैं बता दे रहा हूं दोस्तों, आप लोग जल्दी फटाफट रीजनिंग का प्रश्न है सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। 9 नंबर प्रश्न को, 9 नंबर प्रश्न को दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए कि कितना होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा डिस्कशन होगा तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा, यानी कि 595। ठीक है, करना कुछ नहीं है दोस्तों, बस ये जो 5 और 8 है इसके बीच
बीच का अंतर कितना है दोस्तों, प्लस तीन। उसके बाद 24 और 57 के बीच का अंतर निकालते जाइए, इसे निकालते जाइए, फिर जो नीचे आएगा उसके बीच का अंतर आप लोग निकालिएगा तो आप लोग को एक सीरीज दिखने को मिलेगा और उस सीरीज के हिसाब से चलिएगा तो 595 जो होगा उसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। दोस्तों हमारा 10 नंबर प्रश्न है, उसको देखिएगा। और दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि पीडीएफ थोड़ा साफ नहीं आया दोस्तों, इसीलिए आप लोग थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए चलते हैं हमारे 10 नंबर प्रश्न पे दोस्तों और देखते हैं कि 10वां नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों। किस प्रकार के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ सदैव एक से बड़ा होता है, किस प्रकार के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ लाभ जो है दोस्तों एक से बड़ा होता है। तो चलिए अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आप लोग को पता होना चाहिए, द्वितीय श्रेणी। कौन से दोस्तों, द्वितीय श्रेणी। और उत्तोलक की बात किया जाए दोस्तों तो उत्तोलक जो होता है यह एक छड़ होती है। क्या होती है दोस्तों, छड़ होती है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। ठीक है, आप लोग इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, निम्न में से कौन अचालक नहीं है। अचालक नहीं है दोस्तों, ये बताना है। अचालक नहीं है यानी कि जिसमें ऊष्मा का चालन नहीं होता है दोस्तों, बताइए फटाफट कौन सा अचालक है दोस्तों। ठीक है, तो अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए, सेलेनियम जो है अचालक है दोस्तों। क्या है दोस्तों, सेलेनियम जो है अचालक है। ठीक है, अचालक नहीं बल्कि दोस्तों ये अर्धचालक के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों रीजनिंग से प्रश्न है, उसको देखिएगा ध्यान से। रीजनिंग का प्रश्न है दोस्तों, लाजवाब प्रश्न है, यानी 12 नंबर प्रश्न पे आप लोग देखिएगा, रीजनिंग का प्रश्न है। चलिए, ये हमारा जो नंबर दिया हुआ है दोस्तों, आने वाले स्टेप में क्या होगा इसको बताना है। ठीक है, तो चलिए बताइए फटाफट दोस्तों इसका राइट जवाब क्या होगा दोस्तों, बताइए फटाफट बताइए क्या होगा। तो अगर इसमें अगर तर्क की बात किया जाए दोस्तों, तो 10 और 14 में प्लस 4 का अंतर है दोस्तों। क्या, कितना का अंतर है दोस्तों, 4 का अंतर है। और 14 में 31 में कितना का अंतर है दोस्तों, यानी कि 2 से गुणा कर दिया गया है और कितना जोड़ दिया गया, 3 जोड़ दिया गया। कितना जोड़ दिया गया दोस्तों, 3 जोड़ दिया है। तब जा करके क्या हो गया, 14 दुना 28 में 3 जोड़े तो क्या हो गया दोस्तों, 31 हो गया। अब चलिए, अब 31 कैसे आया है दोस्तों, यानी कि 31 इसमें 2 से गुणा करके फिर इसमें क्या करेंगे दोस्तों, 3 जोड़ देंगे। कितना जोड़ देंगे दोस्तों, 3 जोड़ देंगे, यानी कि सब में 2 से गुणा करके हम क्या जोड़ रहे हैं दोस्तों, 3 जोड़ रहे हैं। तो 77 में 2 से गुणा करेंगे, कितना से गुणा करेंगे, 77 में दोस्तों 2 से, तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों बताइए, 154। कितना आ जाएगा दोस्तों, 154। 154 में हम 3 जोड़ेंगे दोस्तों तो हमारा आंसर कितना आएगा, 157, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, देखिए दोस्तों थोड़ा सा पीडीएफ थोड़ा सा ये धुंधला दिखाई दे रहा है, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे, आप लोग थोड़ा हमारी आवाज़ों को सुन के क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, उसको बताइए फटाफट, क्वेश्चन का जवाब दे दिए, जिन जिन लोगों को भी पता है दोस्तों बताइए। चलिए, जो हमारा 12-13 नंबर प्रश्न है दोस्तों, ये भी रीजनिंग का प्रश्न है। किसका प्रश्न है दोस्तों, रीजनिंग का प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए अगर देखा जाए इसमें क्या तार्किक है दोस्तों, देखिए, यानी कि इसमें जो है 0 का स्क्वायर करके अगर हम 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करके दोस्तों हम क्या जोड़ेंगे, 1 का स्क्वायर करके हम 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करके अगर हम 1 जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी कि स्क्वायर करके हम क्या जोड़ते जा रहे हैं, 1 जोड़ते जा रहे हैं दोस्तों, क्या जोड़ते जा रहे हैं, 1 जोड़ते जा रहे हैं। उसी प्रकार ये जो दोस्तों 677 है, इसका स्क्वायर करके इसमें 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये बताना है। ठीक है, तो चलिए अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन का राइट जवाब दोस्तों, तो इसका राइट जवाब जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 26। कितना होगा दोस्तों, 26। सॉरी दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये 677 कैसे आया है, इसको इस पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, किस पे, इस पे ध्यान दीजिएगा। तो हम 26 में 26 का स्क्वायर करके दोस्तों 1 जोड़ेंगे तो हम कहाँ तक पहुँच जाएंगे दोस्तों,
677 तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। ए इसका ए इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो मैथ से लिया गया है दोस्तों, इस पर ध्यान दीजिएगा। इसका वर्गमूल निकाल देना है दोस्तों। क्या निकाल देना है? वर्गमूल निकाल देना है। तो अगर बात किया जाए दोस्तों इस क्वेश्चन की राइट जवाब की, तो इसका राइट जवाब आप लोग निकाल सकते हैं ऐसे दोस्तों, इसमें जीरो खत्म हो जाएगा, हो जाएगा ये 1225 बट्टा कितना हो जाएगा 5329। ठीक है, तो 1225 जो होता है दोस्तों वो 35 का वर्ग होता है। कितना दोस्तों? 35 का वर्ग होता है। और ये 5329 है दोस्तों वो आप लोग को 73 का वर्ग हो जाएगा। किसका? तो 35/73 जो है इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न है उसको ध्यान से देखिएगा, रीजनिंग का प्रश्न है दोस्तों। 15 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, रीजनिंग का प्रश्न है। ठीक है, ये जो नंबर है दोस्तों ये 1309 के बाद क्या आ जाएगा। तो सबसे पहले हमको पता करना पड़ेगा दोस्तों कि इन दोनों के, इन सब संख्याओं के बीच क्या तर्क है दोस्तों। तो अगर बात किया जाए 16 और 35 कैसे आया है दोस्तों, तो इसमें आप तर्क लगाइए दोस्तों कि 16 और 35 कैसे आया, यानी कि इसमें 16 में 2 से गुणा करके कितना जोड़ा गया है? 3 जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है दोस्तों? 3 जोड़ा गया है। अब 35 में इससे क्या जो गुणा करेंगे, अब इसमें मिलाइए, इसमें मिलाइए दोस्तों। अगर इसमें मिलाइएगा तो आप लोग को पता चलेगा कि 3 से गुणा करके क्या जोड़ा गया है दोस्तों। इसमें मिलाइएगा तो 3 से गुणा करके क्या जोड़ा गया है? 3 से गुणा करके आपको 3 जोड़ दिया गया, यानी कि सब में जो है एक एक बढ़ के गुणा हो रहा है और 3 जुड़ते जा रहा है। तो अगर बात किया जाए 35 के बाद क्या आ जाएगा, तो इसमें तो मैंने 2 से गुणा कर दिया है दोस्तों, तो इसमें 3 से गुणा करो। तो इसमें 35 में 3 से गुणा जब आप लोग कीजिएगा तो आपके पास 3 से गुणा करके उसमें 3 जोड़िएगा तो आप लोग के पास दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि 107 प्राप्त होगा। यानी कि यहाँ पे कितना होगा? 107। ठीक है, एक बार देने से 2 से गुणा करके 3 जोड़ दो, फिर 3 से गुणा करके 3 जोड़ दो, ऐसे में करके जो दो ऐसे में करके सॉरी 3 से गुणा करके 2 जोड़ दो। ठीक है, ऐसे करके जो है दोस्तों आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी कि पहले 2 जोड़ो उसके बाद 3, फिर 2 जोड़ो उसके बाद 3, फिर 2 जोड़ो उसके बाद 3। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है उसको देखिएगा ध्यान से दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुलेमित नहीं है? कौन सा सही सुलेमित नहीं है दोस्तों, बताना है। तो अगर बात किया जाए दोस्तों इस प्रश्न का राइट जवाब की दोस्तों, तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी यानी कि सामुन जो है ये सुलेमित नहीं है। सामुन जो है दोस्तों ये सुलेमित नहीं है। ठीक है, सामुन का जो जो है दोस्तों जो ये सामू है वो इटली में नहीं पाया जाता है, नहीं है। ठीक है, जो सामू जो है पवन का नाम है दोस्तों, ये इटली में नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है रीजनिंग से प्रश्न है, उसको देखिएगा। तो सबसे पहले इसमें आप लोग तर्क लगाइए कि इसमें कौन सा पैटर्न बैठ रहा है दोस्तों। तो चलिए अगर इस प्रश्न की राइट जवाब की बात किया जाए दोस्तों, तो इसका राइट जवाब आप लोग को पता होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यानी कि एक्स, ऑप्शन नंबर डी यानी कि एक्स एल टी वी। आप लोग इसको सॉल्व करते जाइए दोस्तों, वरना अगर डिफिनीशन के साथ सॉल्व किया जाएगा तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों 18 नंबर प्रश्न में ध्यान दीजिएगा, दाब का मात्रक क्या है दोस्तों, दाब का मात्रक बताना है। तो चलिए बताइए फटाफट इस क्वेश्चन का राइट जवाब, दाब का मात्रक क्या है। तो चलिए अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो दाब का जो मात्रक होता है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। क्या होता है दोस्तों? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है उसको ध्यान से देखिएगा, दहन की क्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शर्त आवश्यक है? दहन की क्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शर्त आवश्यक है दोस्तों? 19 नंबर प्रश्न का राइट जवाब बताइए। तो अगर बात किया जाए दोस्तों इस क्वेश्चन की राइट जवाब की, तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए आप लोग को पता होना चाहिए, अदाह पदार्थ की उपस्थिति। क्या दोस्तों? सॉरी, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति, पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति, यानी कि जब कोई पदार्थ अपने ज्वलन ताप को प्राप्त कर लेता है दोस्तों तो वो दहन करने लगता है। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है।
चलिए हमारा जो अगला प्रश्न है उसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों। रीजनिंग का प्रश्न है, बहुत प्यारा सा प्रश्न है, इसको देखिएगा। ये वाला जो दिया गया है दोस्तों, इसमें कौन सा ऑप्शन फील होगा कि एक पैटर्न के रूप में उभर कर सामने आएगा, इसको देखना है, ठीक है। तो अगर बात किया जाए दोस्तों इसको प्रश्न की राइट जवाब, देखिए आप लोग रीजनिंग बनाने की कोशिश कीजिए दोस्तों, ठीक है। अगर बात किया जाए इस प्रश्न की राइट जवाब की दोस्तों, तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि SRTSA ये होगा दोस्तों। यानी कि यहाँ पे आप लोग क्या भरिएगा, S क्या भरिएगा दोस्तों, S, उसके बाद R यहाँ भरा जाएगा, क्या भरा जाएगा दोस्तों, R, उसके बाद क्या भरा जाएगा दोस्तों, T, उसके बाद क्या भरा जाएगा, T भरा जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो दोस्तों SSRT, उसके बाद यहाँ R भरा जाएगा, क्या भरा जाएगा, R भरा जाएगा। देखिए एक पैटर्न बन गया, TSRASTRT ऐसे में आगे चल के दोस्तों एक पैटर्न बनाएगा, यानी कि इसको आप लोग भर के देखिए, एक पैटर्न के रूप में उभर करके सामने आएगा, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आप लोग कॉपी पे लेकर के इसको भर के आप लोग इस पैटर्न को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न में ध्यान दीजिएगा, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्रिपरिषद जो है दोस्तों सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, इस बात को बताना है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को पता होना चाहिए, लोकसभा के प्रति क्या होते हैं दोस्तों, उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। चलिए आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें, अनुच्छेद दोस्तों 15 में, अनुच्छेद किस में, अनुच्छेद 75 में ये बात बताया गया है दोस्तों कि लोकसभा के लिए मंत्रिपरिषद का गठन होगा, किसके लिए दोस्तों, मंत्रिपरिषद का गठन होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है, ठीक है। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों उसको देखिएगा, यानी कि कथन सभी पी कथन दिया है दोस्तों, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है बहुत सारा दोस्तों, ठीक है। चाहे आप रेलवे के एग्जाम में जाइएगा दोस्तों, सबसे ज़्यादा अधिक जिग्रिंजी से क्वेश्चन डालेगा तो कथन का ही डालता है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अब देखते हैं कि ये क्या कर रहा है। सभी पी क्यू है दोस्तों, सभी पी क्या है दोस्तों, क्यू है, यानी कि जितने भी पी है दोस्तों वो क्या है, क्यू है, क्या है दोस्तों, क्यू है, कोई दिक्कत नहीं ना है। उसके बाद कह रहा है दोस्तों सभी आर क्यू है, जो आर भी है दोस्तों वो क्या है, क्यू के अंदर ही है, ठीक है। तो बताइए दोस्तों ये जो कथन है दोस्तों क्या कह रहा है, सभी क्यू आर है, सभी क्यू जो है दोस्तों आर है, नहीं ये उल्टा बता रहे, तो सभी आर क्यू है लेकिन सभी क्यू आर नहीं है, ये बात भी क्या हो गया दोस्तों, गलत हो गया, ये नहीं सेट कर रहा है, ठीक है। चलिए दूसरी बार क्या कह रहा है दोस्तों देखिएगा, दूसरी बार कह रहा है कि सभी पी जो है आर है, ये जैसे मान लीजिए ये क्यू हो गया दोस्तों, क्या हो गया दोस्तों, क्यू इसमें क्या है, आर है, किसमें, इसमें क्या है, आर है और पी है। तो यहाँ पे कह रहा है कि सभी पी आर है, जो सभी पी है वो आर है, ये भी नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो यानी कि कोई भी अनुसरण नहीं कर रहा है इसमें, दोनों जो बात दिया है दोस्तों दोनों सेट नहीं कर रहा है। तो इसका राइट जवाब जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों उसको देखिएगा ध्यान से, यदि एम संख्याओं का औसत एन स्क्वायर है, यदि एम संख्याओं का औसत कितना है दोस्तों, एम स्क्वायर है, और एन संख्याओं का औसत एम स्क्वायर है, तो दोनों का योग निकाल लीजिए, जिससे दोनों का योग का औसत प्राप्त करना है, ठीक है। यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर और n संख्याओं का औसत m स्क्वायर हो तो m प्लस n संख्या का औसत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जब m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है दोस्तों तो इसका योग कितना हो जाएगा, योग जब आप निकालिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यानी कि इसका योग जब निकालिएगा m का तो हो जाएगा m गुणे कितना दोस्तों, एन स्क्वायर, इसका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर इसका योग आप निकालिएगा एन संख्याओं का औसत एम स्क्वायर है तो इसका योग कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी कि हो जाएगा एन गुणे कितना दोस्तों, एम स्क्वायर, ठीक है। अब बटा कितना हो जाएगा दोस्तों, एम प्लस एन,
एम प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों एम। अब देखिए इसमें से कॉमन आप क्या निकाल सकते हैं दोस्तों, कॉमन क्या ले सकते हैं इसमें, दोनों में से कॉमन क्या निकाल सकते हैं ये बताइए पहले। तो कॉमन आप क्या निकाल सकते हैं दोस्तों, देखिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा अगर ये सब डीपली समझाया जाएगा तो, ठीक है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग जो है समझ जाएँ। अगर इसमें से कॉमन निकालने की बात आई दोस्तों तो हम एम और एन को क्या कर सकते हैं दोस्तों, कॉमन ले सकते हैं। किसको दोस्तों, एम और एन को, यानी कि एम और एन को कॉमन लेंगे तो ऊपर बच जाएगा एम प्लस एम प्लस एन बटा एम प्लस एन। तो एम प्लस एन से एम प्लस एन दोस्तों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, हमारे पास बचेगा केवल एम एन, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आप लोग बना के देखिए कॉपी पे, स्क्रीन दोस्तों बहुत छोटा है मोबाइल का, इस पर पूर्ण रूप से लिखा नहीं जा पा रहा है। ठीक है, आप लोग इसको कॉपी पे बनाइए, ठीक है, योग निकालिए और दोनों को जोड़िए और फिर बटा के नीचे एम प्लस एन करके कॉमन लेके एम प्लस एन से कट जाएगा दोस्तों, आप लोग का राइट जवाब आ जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों उसको ध्यान से देखिएगा, अगला जो प्रश्न है वो है क्या, यानी कि एक व्यक्ति अपनी आय का 66.2/3% खर्च करता है, कितना दोस्तों 66.2/3% खर्च करता है और 1200 रुपये प्रति महीना बचा लेता है, तो उसका मासिक खर्च रुपयों में निकालना है दोस्तों। तो देखिए मान लीजिए कि उसका मासिक आय जो है दोस्तों एक्स है और उसमें से जो दोस्तों क्या कर रहा है 66.2/3% क्या कर रहा है, खर्चा कर ले रहा है यानी कि एक्स का, और बचा कितना ले रहा है दोस्तों, कितना बचा ले रहा है तो दोस्तों 1200 रुपया। आपका क्वेश्चन जो है दोस्तों सेट हो गया, क्या हो गया दोस्तों आपका क्वेश्चन सेट हो गया, यानी कि कैसे सेट करना है एक बार और समझिएगा। यानी कि मान लीजिए कि उसका आय एक्स रुपया है और इसमें से वो खर्चा कर देता है कितना, एक्स का 66.2 कितना 2/3, यानी कि एक्स गुणे कितना दोस्तों 66.2/3% जो है क्या करता है, खर्च कर लेता है और बचा कितना लेता है 1200 रुपया। अब इसको आप लोग सब लीजिए दोस्तों, एक्स का मान निकालिएगा तो आपका राइट जवाब आ जाएगा। ठीक है, एक्स का मान निकालिएगा आपका राइट जवाब आ जाएगा, एक्स का मान निकालिएगा तो उसका आय निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा दोस्तों आय, और आय बराबर जो है इतना करके उसका 66.2/3% में आप लोग निकाल सकते हैं आसानी से। तो जब आप लोग ऐसे बनाइएगा दोस्तों तो इस प्रश्न का राइट जवाब जो है दोस्तों वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2400 रुपया आ जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों 2400 रुपया आ जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है चीन की संसद क्या कहलाती है, लाजवाब आसान सा प्रश्न है दोस्तों। चीन का संसद जो है दोस्तों नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहलाती है, क्या कहलाती है, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहलाती है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो हमारा रीजनिंग का सवाल है उसको पढ़िएगा दोस्तों, रिलेशनशिप से सवाल है दोस्तों। ए बी का भाई है, ए जो है दोस्तों क्या है, बी का क्या है दोस्तों भाई है, यानी ए और बी दोनों भाई भाई है, क्या दोस्तों भाई भाई। ठीक है, चलिए बी सी का पुत्र है, जो बी है वो किसका पुत्र है दोस्तों, सी का, बी जो है सी का पुत्र है, बी जो है सी का पुत्र है, यानी कि ए और बी का बाप कौन हुआ दोस्तों, सी हुआ, ये क्या हुआ दोस्तों सी हुआ। इसको आप हिसाब से अगर ऐसे मैच करके एक डायग्राम बनाइएगा तो आप लोगों को पता इसको आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ए बी का भाई है, बी सी का पुत्र है और सी का विवाह डी से हुआ है, सी का विवाह दोस्तों डी से हुआ है। ठीक है, ई डी की पुत्री है तो ई का विवाह एफ से हुआ है, तो ए और एफ किस प्रकार संबंधित है। तो बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की, एक डायग्राम के तौर पर आप लोग बनाइएगा, स्क्रीन छोटा है दोस्तों, तो आप लोग का आंसर साला आएगा, क्या आएगा दोस्तों साला लगेगा। ठीक है, ए और एफ क्या संबंध जो है साला होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे निर्वात में भी संचरण कर सकती है, कौन सी तरंग जो है दोस्तों निर्वात में संचरण कर सकती है, इस बात को बताना है दोस्तों, कौन सी तरंग निर्वात में संचरण कर सकती है। ठीक है, तो चलिए बताइए फटाफट इस क्वेश्चन का राइट जवाब दोस्तों, 27 नंबर प्रश्न का राइट जवाब बताइए। देखिए, जो जितने भी विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं दोस्तों वो निर्वात में संचरण कर सकती है, विद्युत चुंबकीय तरंग जितने होते हैं दोस्तों वो निर्वात में संचरण कर सकती है। ठीक है, ये जो इन तरंगों में दोस्तों आएगा गामा किरण जो है, प्रकाश में तरंग, प्रकाशीय तरंग जो है, रेडियो तरंग जो है, ये सब जो है दोस्तों निर्वात में जो है दोस्तों संचारण कर सकती है। ठीक है, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंगों को गमन करने के लिए दोस्तों भौतिक मतलब भौतिक कारकों की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, आप लोग को पता होना चाहिए कि विद्युत चुंबकीय तरंग को गमन करने के लिए किसी भौतिक माध्यम का जरूरत नहीं होता है, वो ऑटोमेटिक निर्वात में भी क्या कर सकता है दोस्तों, संचरण कर सकता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, उसको ध्यान से देखिएगा, मेडलिफ आवर्त नियम के अनुसार आवर्त
तत्व आवर्त सारणी में किस क्रम में व्यवस्थित है? मेडलिफ आवर्त नियम के अनुसार तत्व आवर्त सारणी में किस क्रम में व्यवस्थित है बताना है दोस्तों। चलिए बताइए, चार ऑप्शन आप लोगों के सामने, आसान सा प्रश्न है दोस्तों। अगर बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो मेडलिफ का बात किया जाए आवर्त सारणी का जो है दोस्तों, तो मेडलिफ का आवर्त सारणी जो है परमाणु भार के बढ़ते क्रम पर आधारित था। किस में दोस्तों? परमाणु भार के बढ़ते क्रम में। चलिए बताइए, सबसे पहले जो है आवर्त सारणी बनाने का काम किसने किया था? सबसे पहले किसने आवर्त सारणी बनाया था? ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, उसको ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में सम्मेलन ने किन संस्था की स्थापना की? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन ने किन संस्थाओं की स्थापना की है दोस्तों, बताना है। चलिए बताइए फटाफट इस क्वेश्चन का राइट जवाब। अगर बात किया दोस्तों ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का दोस्तों, तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो है और विश्व बैंक की, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना की है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अगर बात किया जाए कब किया दोस्तों, तो आप लोग 1944 याद रखिएगा। कब दोस्तों? 1944। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है रीजनिंग से है दोस्तों, रिलेशनशिप से। आप लोग देखिएगा, अमित की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए गगन ने कहा, इसकी बहन की माँ के पति मेरी बेटी की माँ के पति के पिता है। चलिए, अमित गगन से किस प्रकार संबंधित है? चलिए इसका डायग्राम बनाइए आप लोग दोस्तों, मैं इसका आंसर आप लोग को बता दे रहा हूँ। अगर बात किया जाए इस प्रश्न का राइट जवाब की दोस्तों, तो इसका राइट जवाब जो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भाई से संबंधित है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। ये जो हमारा अगला प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, चूँकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, इसका जो बाकी प्रश्न है दोस्तों मैं कल के वीडियो में डाल दूंगा। ठीक है, तो देखिए आज का हमारा लास्ट वाला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति की पद अवधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति की पद की अवधि का उल्लेख जो उनके कार्यकाल का उल्लेख जो है दोस्तों, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो बहुत ही आसान सा सवाल है, आप लोग को पता होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 56 में आता है। ठीक है, चलिए आप लोग बताइए दोस्तों कि कमेंट बॉक्स में कि राष्ट्रपति का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है और राष्ट्रपति पर किस अनुच्छेद के तहत महाभियोग लगाया जा सकता है। चलिए आज के सेशन में बस इतना ही। अगर इस क्वेश्चन में कोई त्रुटि हो गया हो, कोई सी अगर मिस्टेक बाय मिस्टेक कोई गलत उत्तर टिक लग गया हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा दोस्तों, आप लोगों को रिप्लाई जरूर मिलेगी। ठीक है, उस पर हम लोग विचार जरूर करेंगे। चलिए, समय को देखते हुए आप लोग अपने अपने तैयारी में लगे रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से अपना तैयारी कीजिए, और अपना अपना जो डॉक्यूमेंट है दोस्तों बिहार SSC के पोर्टल पर जा करके लोड जरूर करा लीजिएगा। और जो है, अगर फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो गई हो, गलती हो गई हो, उसको भी सुधार करने का मौका जो है BSSC ने दे दिया है। अगर आप लोग चूक गए तो फिर बाद में BSSC इसका जवाबदेही नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इसके बाद वाले के अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।